तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं नोनो रिटेल नोनो चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है वीआई का रिटेलर वर्सेस एजेंट एंड प्रोमोटर में किसको सबसे ज्यादा इनकम मिलते हैं, किसको सबसे ज्यादा ऑफर मिलते हैं, किसको सबसे ज्यादा यहाँ पर काम मिलते हैं, काम बेहतरीन होता है, ए टू जेड डिटेल्स हम बात करेंगे आज वीआई का रिटेलर एंड एजेंट एंड प्रोमोटर को लेकर। तो अगर आप एक वीआई का रिटेलर हो, एजेंट हो, प्रोमोटर हो या वीआई पर आप काम करना चाहते हो सिम सेलिंग का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को जरूर इन तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात तो देखो, वीआई का जो रिटेलर होते हैं वो दुकानदार होते हैं नॉर्मली, एंड जो एजेंट एंड प्रोमोटर होते हैं वो मार्केट में जाके काम करते हैं, अम्ब्रेला लेकर काम करते हैं, किसी जगह पर जाके कैम करके वो लोग काम करते हैं। नॉर्मली दोनों का काम होते हैं। आप बात कर लेते रिटेलर का, ज्यादा ऑफर वगैरह कुछ भी नहीं मिलते, ज्यादा ऑफर वगैरह नहीं मिलते, बट एजेंट एंड प्रोमोटर को भर भर के ऑफर मिलते हैं वीआई पर ज्यादा से ज्यादा। मैं जब रिटेलर था, मैं रिटेलर में बहुत सारा टाइम बन चुका हूँ, रिटेलर तो मैं ऑलरेडी हूँ, बट मैं एजेंट बीच में बनता हूँ, छोड़ता हूँ, बनता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये मैं क्यों करता हूँ। एंड अभी मैं फिर से एजेंट एक बना हूँ, एंड एजेंट में कितना ऑफर मिलते हैं, रिटेलर में कितना ऑफर मिलते हैं, ए टू जेड डिटेल्स हम बात करेंगे। तो देखिए नॉर्मली आप एक बैठे बैठे भी, आप एक रिटेलर भी हो, आप एक रिटेलर के साथ साथ एजेंट भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर एजेंट में इनकम बहुत बढ़िया होते हैं, कस्टमर आपके पास भर भर के आते हैं, पर रिटेलर पर उतना ज्यादा कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप रिटेलर बन के ज्यादा ऑफर कस्टमर को नहीं दे पाओगे। बट आप अगर एक एजेंट या प्रमोटर बन जाते हो तो कस्टमर को भर भर के ऑफर प्रोवाइड कर सकते हो, एंड जब भी कस्टमर को ऑफर मिलेगा सारा कस्टमर आपके पास आ जाएंगे, और ये सिर्फ पॉसिबल है आप अगर एजेंट या प्रमोटर बनते हो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, तभी आप लोगों को ऑफर मिलेगा। तो नॉर्मली रिटेलर पर ज्यादा ऑफर वगैरह नहीं मिलते, बट एजेंट और प्रोमोटर पर ऑफर भर भर के मिलते। कैसे ऑफर, मैं आप लोग को एग्जांपल देकर ए टू जेड डिटेल बताऊं। एक अगर सिम सेल करोगे रिटेलर में, रिटेलर आईडी से अगर आप लोग न्यू 299 रुपीस का सिम सेल अगर आप लोग करोगे तो आपका खर्चा आएगा लगभग 120 रुपीस के आसपास आ जाएगा, लगभग 120 रुपीस आ जाएगा यहाँ पर कस्टमर को 300 रुपीस का रिचार्ज मिलेगा। इसमें क्या है, कस्टमर को तो आपको 120 रुपीस से ज्यादा लेना पड़ेगा, 120 रुपीस लोगे तो आपका फुल्ली लॉस है, आपका काम वगैरह सब कुछ बेकार हो गया, तो लगभग आपको 150 से 200 रुपीस मिनिमम लेना पड़ेगा, तब आपका थोड़ी बहुत प्रॉफिट रहेगा। बट यही काम अगर आप एजेंट में करोगे, एजेंट में अगर न्यू सिम सेल करोगे 299 रुपीस का, तो यहाँ पर आपका जो खर्चा आएगा 50-60 रुपीस, 40-50-60 और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डिपेंड करते हैं, तो इतना खर्चा आएगा। तो कस्टमर से अगर आप लोग 100 रुपीस लोगे तो कस्टमर बहुत खुश हो जाएगा कि 100 रुपीस पर हमें 300 रुपीस का रिचार्ज मिलेगा, कस्टमर आपके पास से ले जाएगा सिम एंड और भी 10 बंदों को बोलेगा कि यहाँ पर 100 रुपीस पर सिम मिले और 300 रुपीस का रिचार्ज मिले, तो वो कस्टमर और भी 2-3 कस्टमर को ले आएंगे। इस तरह से आपको कस्टमर भर भर के मिलता है एजेंट पर। उसके साथ साथ आप अगर एक रिटेलर आईडी से आप अगर एक एमएनपी मतलब पोर्ट करोगे तो आपका लगभग 13 रुपीस का खर्चा आएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वही अगर आप लोग एजेंट आईडी से करोगे ना तो आपका कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं आएगा, पर एमएनपी आप लोगों को लगभग 30 रुपीस 50 रुपीस मिलता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। साथ में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गिफ्ट भी मिलता है कस्टमर लोगों को देने के लिए, या आप बहुत सारे टाइम रिटेलर लोगों को भी मतलब हम जैसे एजेंट लोगों को भी देने के लिए। जैसे मेरे एरिया पर अभी ऑफर चल रहे, मैं खुद ऑफर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को ऑफर दिया था कि मैं जितने भी एमएनपी करूंगा जितने भी कस्टमर का उनको तो 300 रुपीस का रिचार्ज मिलेगा, मतलब 299 रुपीस का, साथ में मेरे को पर एमएनपी 50 रुपीस करके कमीशन भी मिलेगा, साथ में जो कस्टमर एमएनपी करेगा उनको एक बाल, बहुत सारा टाइम बाल्टी, बहुत सारा गिफ्ट भी देता हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर मेरे पास आते हैं, कस्टमर बहुत सारा कस्टमर आते हैं, एमएनपी करते हैं, न्यू सिम करते हैं, तो इसमें क्या है ना आपका दुकान एक रनिंग चलते रहते हैं, जो कि रिटेलर पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिटेलर पर एक एमएनपी पर लगभग 13 रुपीस का खर्चा थे, तो कस्टमर से आपको 50 रुपीस लेना ही पड़ेगा और कस्टमर को एजेंट पर फ्री में मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप एक वीआई का रिटेलर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एजेंट जरूर ले लेना। हाँ, एजेंट पर थोड़ी बहुत टारगेट होता है कि आपको एक महीने में इतना एमएनपी करना पड़ेगा। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे को बहुत सारे टाइम 12-15-20 टारगेट दे देते हैं, जो कि आराम से कंप्लीट हो जाते, क्योंकि इस तरह का ऑफर देंगे तो आराम से एमएनपी कंप्लीट हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिटेलर से बहुत ही बेहतरीन इनकम मिलता है एमएनपी पर, सॉरी रिटेलर से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इनकम आता है उन लोगों को मिल जाते, क्योंकि एजेंट पर बहुत सारा ऑफर मिलता है, बहुत सारा कमीशन मिलते हैं। एक एजेंट अगर लोगे उसके बाद आप रिटेलर बन के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक रिटेलर आईडी आपके पास है, आप एजेंट आईडी लेकर भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मार्केट में नहीं जाना चाहते, आप दुकान में बैठकर भी काम कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर रिटेलर से इनकम बहुत गुना बेहतरीन है यहाँ पर जो एजेंट है उसमें, प्रमोटर जो है
बहुत ज्यादा इनकम मिलते हैं दोस्त, बहुत बढ़िया इनकम आप लोगों को देखने को मिलता है, जो इनकम रिटेलर पर कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी एचएस गारंटी से बात है। पर एजेंट जब भी पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के तरह बेहतरीन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा दिक्कत कर देते, बहुत सारा एजेंट को काम कर लेते उसके बाद पैसे नहीं देते, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एजेंट मानोगे तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर को बता देना, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें कितने मिनट पर मुझे कितना मिलेगा, कितना मुझे इनकम मिलेगा, और इसका एक रजिस्टर भी जरूर आप मेंटेन करना, और लगभग जिस दिन भी कंप्लीट हो जाए उस दिन का हिस्सा क्लियर करके डिस्ट्रीब्यूटर को बता देना कि मैं इतना पाऊंगा या आपको इतना आप मेरे से पाओगे, ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है दोस्तों। मैं बताऊंगा अगर आप एक रिटेलर हो तो जरूर आप एजेंट बन के कर सकते, आप अगर कोई भी काम नहीं करते वीआई का सिम सेलिंग का काम कर सकते हो, तो आप रिटेलर लेकर भी आपके पास दुकान है तो रिटेलर लेकर काम कर सकते हो, बस दुकान वगैरह नहीं है तो एक एजेंट या प्रमोटर बन जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर आपका नियर है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से उनके पास जाओ एंड बोलो मैं सिम सेलिंग का काम करना चाहता हूं आपके अंडर, तो आपको एजेंट बना देंगे और आप अच्छा खासा एमएनपी कर सकते हो, तो अच्छा खासा इनकम मिलेगा, न्यू एक्टिवेशन का तो भी बहुत बढ़िया इनकम मिलेगा, क्योंकि आप एक जगह पर कैंप करोगे एंड वहां पर अगर 10 भी सिम सेल कर दे दो तो ₹500 का आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसे इनकम यहां पर मिलता है। तो गाइस आप जाओ बनो, बट जब भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एजेंट बनोगे डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे से बात कर लेना कितना में कितना मिलेगा, ये चीज डिटेल जरूर बात कर लेना, एक पेपर पर लिख कर सिग्नेचर भी कर लेना, ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जन बनवा, थैंक यू, बाय बाय।